मंदसौर पुलिस ने एक अवैध रूप से चल रहे सोनोग्राफी सेंटर पर छापा मारकर वहां से भ्रूण लिंग प्रशिक्षण करने वाले उपकरण सहित कई दस्तावेज जब्त किए हैं। मौके से स्वास्थ्य विभाग ने आरोपी डॉक्टर कैलाश गर्ग के खिलाफ पंचनामा बनाकर उसे हिरासत में ले लिया है। मंदसौर के नई आबादी क्षेत्र स्थित रोम टावर के पास गली में स्थित इस अवैध रूप से चल रहे सोनोग्राफी सेंटर के बारे में प्रशासन को सूचना मिल रही थी कि यहां पर अवैध रूप से भ्रूण लिंग प्रशिक्षण करवाया जा रहा है। प्रशासन ने पुलिस की सहायता से मौके पर छापा मार कर कार्यवाही की। वहां से सोनोग्राफी मशीन और भ्रूण लिंग प्रशिक्षण करने के पर्याप्त उपकरण और सबूत मिले। मौके से शासकीय दवाइयां भी मिली जो कि यहां पर उपयोग में लाई जा रही थी। प्रशासन ने सोनोग्राफी सेंटर को सील कर दिया है और यहां पर उपयोग में ली जा रही मशीनें भी सील करती हैं। आरोपी डॉक्टर कैलाश का कहना है कि उसका सोनोग्राफी सेंटर अवैध रूप से चल रहा है, लेकिन प्रशासन दुर्भावनावश इस तरह की कार्यवाही कर रहा है। यहाँ पर कोई भी भ्रूण लिंग प्रशिक्षण नहीं किया जाता था। नाम है सर आपका? डॉक्टर कैलाश। कैलाश जी, ये अवैध सोनोग्राफी सेंटर कब से चला रहे थे आप और क्या मामला है पूरा? नहीं, ये अवैध नहीं है, रजिस्टर्ड है और उसके रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट हैं सारे, उसके रूल्स रेगुलेशन के तहत ही चला रहे हैं, कहीं कोई इसमें गलत नहीं है। यहाँ से मौके से जो भ्रूण लिंग परीक्षण होता है उसके पर्याप्त प्रमाण मिले हैं, क्या कहना आपका? नहीं, गलत है। नहीं, जो मिले हैं सबूत उसके बारे में क्या कहेंगे जो दिख रहे हो? नहीं, कोई सबूत नहीं है ऐसा जो ये साबित करता है कि भ्रूण लिंग परीक्षण। कैलाश जी, आप बता रहे हैं कि सब कुछ वैलिड है, सब बढ़िया है, तो फिर प्रशासन इस तरीके से कार्रवाई क्यों कर रहा है, क्या कहेंगे? प्रशासन के मन में क्या दुर्भावना है ये मैं अभी नहीं बता सकता, क्योंकि समय आने की चीजें जरूर सामने आएंगी। क्या क्या अभी आप कहाँ पदस्थ है? मैं पदस्थ था, आजकल मैं ड्यूटी नहीं करता हूँ, 8-9 महीने से मैं बाहर हूँ, मैं जा ही नहीं रहा हूँ गवर्नमेंट में। क्यों नहीं जा पा रहे सर? कारण? क्योंकि मेरा अनावश्यक ट्रांसफर होते रहते हैं और मैं ट्रांसफर से परेशान हो गया हूँ, इसलिए मैंने छोड़ दिया है। सरकारी जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल की दवाइयाँ वो भी आपके यहाँ मिली है, वो किस है? मैं पहले गवर्नमेंट था तो पुरानी दवाइयाँ पड़ी हुई हैं। अच्छा, और ये अवैध काम कब से कर रहे थे आप? अवैध कोई काम नहीं कर रहा हूँ मैं, सारा काम वैध कर रहा हूँ, लीगल है और सारे दस्तावेज है हमारे पास, बस प्रशासन देखना नहीं चाहता, उन दस्तावेजों को देखने की उनके पास समय नहीं है, उन्हें सिर्फ सील करना है। तो कहीं कहीं प्रतीत होता है कि ये पूरी कार्रवाई दुर्भावना से प्रेरित होके है। अब वो दुर्भावना प्रशासन के मन में क्या है? प्रशासन ने छापा डाला है सर, किस तरह की कार्रवाई यहाँ पर की जा रही है और क्या सूचना मिली थी आपको? हमें यहाँ पर जानकारी मिली थी कुछ नियम विरुद्ध कार्य यहाँ पर चल रहे हैं, जिनके इनको अधिकार नहीं है, उन चीजों की जांच वगैरह कर रहे हैं और इनका हमारे पास ये मशीन भी पाई गई है वगैरह जांच करने के लिए, तो हम उसी के संबंध में जांच कर रहे हैं और भी हमारी कार्रवाई लगातार चल रही है। भ्रूण लिंग परीक्षण के भी यहाँ पर कुछ तथ्य मिले हैं? हाँ, ये प्रथम दृष्टा तो यही, हमने यहाँ स्पेशलिस्ट को, गायनोलॉजिस्ट स्पेशलिस्ट को हमने बुलाया, उनके द्वारा बताया गया जो इंस्ट्रूमेंट यहाँ पाए गए वो इसी चीज के उपयोग में आते हैं, लेकिन हम अभी लगातार कार्रवाई कर रहे हैं और जो भी नियम विरुद्ध हमें यहाँ मिल रहा है उन सब चीजों की जब्ती करके आगे पूरी प्रोसेस। क्या क्या अनियमितता पाई गई पैथोलॉजी की या सोनोलॉजिस्ट की, क्या क्या? सर्वप्रथम दृष्टा तो आप इस कमरे को देख लीजिए जहाँ पर यह टेस्ट होता है, कमरा उस मांग को खरा नहीं उतर रहा, छोटा कमरा, सफोकेशन होता है, यहाँ पर इन्होंने पोस्टर लगा के रखा है, ये ठीक नहीं है और बहुत से प्रावधान, इवन इनका सर्टिफिकेट तक भी जो है पिटलिया मंडी के लिए है और इन्होंने अपनी पैथोलॉजी यहाँ पर शिफ्ट करी, इसके लिए माननीय एडीएम साहब का इनको सर्टिफिकेट होना चाहिए था, जिस केवल इनके पास आवेदन पाया गया वो सर्टिफिकेट भी दिखाने में असमर्थ रहे हैं। और भी कागजी कार्रवाई में कहीं इन्होंने बहुत सी त्रुटियां की हैं, अंदर इनके पास लेबोरेटरी टेस्ट है जिसका इनके पास कोई सर्टिफिकेट नहीं है, अंदर एक अलग से रूम हमें पाया गया, उसकी भी अभी पूरी जांच चल रही है और वो हमने इनसे कहा है आप सर्टिफिकेट दिखाएं, वो भी नहीं दिखा पा रहे। और भी कोई जिले में इस तरह की अवैध पैथोलॉजी और सेंटर पाए जाएंगे तो कार्रवाई करेंगे सर? जी, इस प्रकार से अब लगातार कार्रवाई स्टार्ट हुई है, जैसे भी हमें सूचना मिलती जाएगी वैसे हम कार्रवाई। पूछताछ के दौरान क्या पता चल पाया, कब से संचालित किया गया? पूछताछ के हिसाब से बता रहे हैं कि अभी मई से संचालित कर रहे हैं, लेकिन अड़ोसी पड़ोसियों से जो हमने यहाँ के लोकल से बात की उनका कहना है कि काफी सालों से चल रही है, तो उसकी जांच भी हम कराएंगे। कार्रवाई या शिकायत पे हुई या अब पूरे जिले में जितने भी सोनोग्राफी सेंटर है जितनी पैथोलॉजी आप अभियान चला के करेंगे कार्रवाई? देखिए, गैर कानूनी कोई भी संस्थान अगर कार्यरत होगी तो उस पर हमारी कार्रवाई की जाएगी, हम लगातार कार्रवाइयां करते ही रहते हैं और ये उस कार्रवाई का एक पार्ट। शिकायत पे हुई है या 5 दिन पहले भी हमारे प्रशासन की तरफ से यहाँ पर एक टीम आई थी, कुछ अनियमितता पाई गई थी, फिर उसके जब कागजात की जांच की गई, बड़ी अनियमितताओं की हमें उसमें लगा की आशंका हुई, तो फिर हमने दोबारा इसके ऊपर बड़ी कार्रवाई। सर, संचालक कैसा? कैलाश जी।